नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अश्विनी और आप देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ अश्विनी शर्मा। तो दोस्तों, आज बात करेंगे YouTube चैनल को ग्रो करने के बारे में, और खासतौर से ये मैं आज बात कर रहा हूँ कि जो लोग अभी अपना YouTube चैनल क्रिएट करना चाहते हैं या जिन्होंने अभी नया नया क्रिएट किया है, तो वो कैसे अपनी यूट्यूब की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सर्च में लेकर आएँ या ज़्यादा उसको चला पाएँ या वो ज़्यादा से ग्रो कर पाएँ, उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। तो उसमें दोस्तों, आज मैं एक चीज के बारे में बात करूंगा कि जो भी लोग अपना YouTube चैनल बनाने की सोच रहे हैं या बना रहे हैं, सबसे पहले तो उनको अपना एक टॉपिक सिलेक्ट करना होगा कि किस टॉपिक पे वो अपने चैनल पर वीडियो डालना चाहते हैं, क्योंकि कंटिन्यू आप उसी टॉपिक पर वीडियो डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी और टॉपिक पर नहीं डाल सकते, बट एक किसी टॉपिक को लेकर चलेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दूसरी बात जो मेन है, अब मैं बताने जा रहा हूँ कि जब भी आप कोई वीडियो बनाते हैं या बनाने से पहले अपने टॉपिक से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड यूट्यूब पर उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं उनको सर्च करें। सर्च करने का फायदा क्या होगा कि आप उस पर देखिए कि जो भी उसके थंबनेल हैं जिनको देखकर आप उन वीडियो को क्लिक करते हैं, वीडियो को देखते हैं, उसमें उसके थंबनेल पर ऐसे क्या अट्रैक्टिव आपको लगता है जिसकी वजह से आप उसको देखना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको बहुत रिसर्च करना होगा अपना वीडियो बनाने से पहले। आप वीडियो बनाने से पहले उस पर समय दीजिए, अच्छे से देखिए कि आपको आपके जो भी वीडियो है, जो भी कंटेंट है, उससे रिलेटेड ऐसा क्या उसमें लिखें, क्या उसमें ऐसा शो करें कि जिससे सामने वाला पर्सन जब यूट्यूब में चैनल को या यूट्यूब को स्क्रॉल कर रहा होगा तो उसमें आपकी वीडियो को क्लिक करके देखें। उसके लिए ऐसा नहीं है कि आपने थंबनेल में कुछ और लिख दिया और आप वीडियो में आप कुछ और बता रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो आपने वीडियो में बताया उस रिलेटेड ही आपको उस पर कीवर्ड लिखना है, उसके जो भी लिखना है उसके रिलेटेड ही लिखना है, उसके रिलेटेड ही उसमें शो करना है, ठीक है। बट उस पर दिमाग लगाइए, उस पर समय दीजिए कि कुछ वो ऐसा बने कि कोई भी देखकर पर्सन क्लिक जरूर करें। अब मान लीजिए आप अपने ऊपर उसको एग्जांपल लेकर देखिए कि जब आप यूट्यूब को स्क्रॉल करते हैं, यूट्यूब के वीडियोस को देखते हैं, चलाते हैं, उसमें क्या देखकर आप उसको एकदम क्लिक कर देते हैं। तो इसमें आपको दिमाग लगाना होगा और बेहतर होगा कि आप वीडियो बनाने से पहले इस पर ज़्यादा ध्यान दें। थंबनेल तो वीडियो बनाने के बाद लगता है, जब उसको अपलोड करते हैं उसके बाद थंबनेल लगाते हैं, थंबनेल बनाते हैं, बट वीडियो बनाने से पहले अगर आप इसको सोच के ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छा थंबनेल बना पाएंगे जिससे कोई भी उसको जल्द से जल्द क्लिक करेगा। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके वीडियो को क्लिक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके व्यू आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी वीडियोज़ को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिए और इस पर थोड़ा आप वर्किंग कीजिए। और ये खास तौर से उन लोगों के लिए है जो अभी अपना चैनल जिन्होंने अभी नया नया बनाया है या बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो शुरुआत में इस चीज़ पे बहुत ध्यान देना होगा काफ़ी समय तक। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा कर लेंगे तो एकदम से भी लगेंगे, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब कोई जो मर्जी कहता रहे कि इतने भी 80,000 व्यू आ जाएंगे, लाखों व्यू आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे आप कंटिन्यू रहते हैं तब आपके व्यू आने स्टार्ट हो जाते हैं, बट आप जितना अच्छा थंबनेल बनाएंगे उससे आपको जल्दी ग्रो मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए बस। बाकी कुछ और होगा तो मैं डेली वीडियो डालता ही हूँ, तो उसमें आपको इससे रिलेटेड और भी कुछ टेक्निक, कुछ अच्छी चीज़ें और बताऊंगा जिससे आप जल्दी ग्रो कर पाएंगे। बट मेन चीज़ है आप इस पर अपना फोकस करें, अभी इस पर अपना समय दें। वीडियो बनाने से पहले जरूर यूट्यूब पर अपने टॉपिक से रिलेटेड वीडियो को सर्च करें, उसमें देखिए सबने कैसा कैसा थंबनेल बनाया है, ऐसा क्या उसमें लिखा हुआ है जिसको देखकर आप क्लिक कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिए तो डेफिनेटली आपका चैनल ग्रो करेगा ही करेगा, ऐसा नहीं है, बट समय जरूर लगेगा। ऐसा नहीं है लोग कहते हैं कि एक महीने में ग्रो कर गया, दो महीने में ग्रो कर गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। समय लगता है दोस्तों और मेहनत लगती है। मेहनत आप करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा और आप भी पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, बस ज्यादा ज्यादा आपसे ये कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और प्लीज वीडियो को पूरा देखे कीजिए जिससे मेरा भी बेनिफिट होगा। धन्यवाद।